Read the clue, fill in the missing letter to find the answer. You may stay safe inside me. Answer is house. H-O-U-S-E. You need to eat me to be able to play. F-W-D. Food. We all need food, clothes and a house. हम सभी को food, clothes और house की जरूरत होती है. Why do we need food? Food जो है वो हमें ताकत देती है जिससे हम काम करते हैं और खेलते हैं. We must eat fruits and vegetables daily. हमें daily फल और सब्जी खानी चाहिए. They keep us healthy. और इससे हम स्वस्थ रहेंगे. We must wash the food before eating daily. और खाने से पहले फल को साफ कर लेना चाहिए. Milk is also good for our body. मिल्क जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. It keeps our teeth and bone healthy. यह हमारे टीथ और बोन को स्वस्थ रखता है. Fill in the blanks. First one, we need dash to grow and to be healthy. Answer is food. F-O-O-D, food. Second one, dash make our teeth strong. Answer is milk. M-I-L-K. We need clothes. Next topic is we need clothes. We wear clothes to cover our body. हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए क्लॉथ्स कपड़े पहनते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेदर. क्लॉथ जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वेदर के हिसाब से. वेनी की जोर जब गर्मी होती है, कोल्ड सर्दी होती है और वेनी जब बारिश होती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स. वह हमें डैक्स और डस्ट और इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करती है. इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स. समर गर्मी के मौसम में हमें कपड़े कॉटन क्लॉथ्स पहननी चाहिए. कॉटन क्लॉथ्स कीप्स अस कूल. और कॉटन क्लॉथ्स जो है वो हमें कूल देता है. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है. वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. और वूलन क्लॉथ्स को हमें विंटर में पहनना चाहिए. वूलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म. वूलन क्लॉथ्स हमें गर्मी को वार्म प्रदान करता है. वी गेट वूल फ्रॉम सीप. और ऊन हमें सिल्क से प्राप्त होता है. वी वेयर ए रेनकोट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन. हम लोग रेन को बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं. वी ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला. और अम्ब्रेला को भी काफी यूज करते हैं. वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ्स. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. वी नीड ए हाउस. हमें We need a house to live in. हमें रहने के लिए घर की जरूरत होती है. A house has doors and windows to let in fresh air and sunlight. और घर में दरवाजे और खिड़की होती है जिससे fresh air और sunlight आती है. We keep our things such as clothes, book and file in our house. हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती है जैसे क्लॉथ्स, बुक और टॉयलेट. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हाउस जो है वो हमें हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करता है. इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड. और हाउस जो है वो हमें हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करता है. और इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड. और वो हमें स्ट्रॉन्ग विंड से भी प्रोटेक्ट करता है. रूम्स ऑफ ए हाउस. ए हाउस हैज डिफरेंट रूम. घर में अलग अलग प्रकार के रूम होते हैं. वी मीट आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. हम लोग गेस्ट से ड्राइंग रूम में मिलते हैं. वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम. और हम लोग अपना मील्स जो है वो डाइनिंग रूम में करते हैं. फूड इज कुक्ड इन द किचन. फूड इज कुक इन द किचन. और खाना जो है वो किचन में पकाते हैं. देयर इज ए बाथरूम फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग. और बाथरूम का यूज हम लोग वॉशिंग और बाथिंग के लिए करते हैं. वी स्लीप इन द बेडरूम. वी स्लीप इन द बेडरूम. और सोने के लिए हम लोग बेडरूम का यूज करते हैं. वी शुड
साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। वी कैन एंजॉय आवर सेल्फ विद आवर फैमिली इन आवर हाउस, और हमें अपने घर में अपने फैमिली के साथ खुश होकर रहना चाहिए। वी शुड मेक ए कंफर्टेबल हैप्पी होम, और यही घर जो है वह हमें अपने घर में खुश और कंफर्टेबल होकर रहना चाहिए।